खबर कोटा जिले से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में जिले के रेलवे स्टेशन पर शनिवार को जीआरपी ने खड़ी ट्रेन में चेकिंग के दौरान दो नशा तस्करों को 1 किलो 310 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी थाने के CI संतोष शर्मा ने बताया कि कोटा गंगानगर एक्सप्रेस ट्रेन की चेकिंग के दौरान पुलिस को देखकर दो लोग इधर उधर होने लगे, तो पुलिस ने संदिग्ध दिखने पर उनको रोककर तलाशी ली। तो तलाशी के दौरान उनके पास पिच्छू बैग में 1 किलो 310 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने आरोपी तस्कर लखवीर सिंह और जवान सिंह को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS एक्ट में कार्रवाई की। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। श्रीमान SP साहब राममूर्ति जोशी, पुलिस अधीक्षक GRP के निर्देशानुसार रेलवे स्टेशन पे अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए GRP कोटा पुलिस के साथ अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने कल दो आदमी को गिरफ्तार करके 1 किलो 310 ग्राम अफीम बरामद की है। दोनों आदमी में से एक आदमी पंजाब का है, लखवीर लक्का फाजिलका पंजाब, दूसरा जवान सिंह निवासी जालवाड़ का है। ये मंदसौर से कहीं से अफीम लाना बता रहे हैं, उनको आज अरेस्ट किया गया है और ये अंतर्राज्यीय तस्कर हैं, पूर्व में भी पंजाब जेल में मिले हुए हैं और इनकी अनुमानित कीमत 13 लाख रुपये है और मामले में अनुसंधान किया जा रहा है। अग्रिम अनुसंधान मुकेश जी स्वयं माधोपुर की तरफ से किया जा रहा है और रिमांड लेके अग्रिम अनुसंधान जारी है।